हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पिक्चर इन पिक्चर मोड के बारे में। और आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी यहाँ पे 2 से 3 वीडियो प्ले हो रही है। यहाँ पे 2 वीडियो की प्लेबैक चालू है यहाँ पे, और एक वीडियो है पॉज किया हुआ है। यहाँ पे मैं कोई भी 2 ही वीडियो प्ले कर सकता हूँ। अगर मैं ये चालू रखूँगा तो ऊपर का बंद हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हैं ये कैसा करता है, तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस मोड को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐप्स है जिसकी मदद से हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऐप है यहाँ पे यूसी ब्राउज़र, और ये वीडियो चल रहा है यूसी ब्राउज़र में, जो ऊपर वाला है, सबसे पहला वाला। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा ब्राउज़र है यहाँ पे एमआई ब्राउज़र, जो ये बीच का क्रिकेट वाला वीडियो है वो एमआई ब्राउज़र में चल रहा है। और लास्ट वाला है जो वो है, यहाँ पे एक नया ऐप है जो है फ्लोटिंग क्यूब, इसकी मदद से मैं ये आखिर वाला वीडियो चला रहा हूँ, ये वाला। तो आपको मैं अभी बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यूसी ब्राउज़र, एमआई ब्राउज़र और फ्लोटिंग क्यूब जी जो भी आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर दीजिए। और आपके पास है तो आपको कुछ सेटिंग्स में बदलाव करने होंगे और आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको सीधे दिखाता हूँ सेटिंग्स में। तो अगर आप यूसी ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस मोड में, सारे ऐप्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ वीडियो को प्ले करते हुए यहाँ पर मैं। तो अगर आपको यूसी ब्राउज़र में इस्तेमाल करना है तो आपको सेटिंग्स में जाके, और यहाँ से मैं इससे वीडियोस को की साइज़ को भी एडजस्ट कर सकता हूँ एमआई ब्राउज़र और यूसी ब्राउज़र के केस में। यहाँ पे यूसी ब्राउज़र मेरा क्रैश हो गया है क्योंकि मैंने तीनों वीडियो साथ में चालू किए थे, तो रैम की वजह से वो क्रैश हो गया होगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ उसकी सेटिंग्स। तो यूसी ब्राउज़र में आपको यहाँ पे, इसमें यूसी ब्राउज़र सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे अदर परमिशंस में आपको देना है डिस्प्ले पॉपअप विंडो का जो सेटिंग है उसे ऑन करना है यहाँ पे, तो आप इस मोड का इस्तेमाल कर पाएंगे। और दूसरा जो ऐप है वो है यहाँ पे फ्लोटिंग यूट्यूब वाला, तो उसके लिए ऐप ड्रॉअर की एक सेटिंग है इसमें। तो आपका अदर परमिशंस में यहाँ पे जाके हमें डिस्प्ले पॉपअप विंडो को ऑन करना है यहाँ पे भी, तो ऐप ड्रॉअर की सेटिंग शायद दूसरी होगी। तो आपको ये सेटिंग्स ऑन करनी है इसके लिए एमआई ब्राउज़र में। तो अगर आपके पास एमआई का फ़ोन है तो वो सीधे ही ऑन होगा, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रेडमी के फ़ोन्स में आप सीधे ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिसके आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 2 वीडियो प्ले कर सकता हूँ इसके साथ में। और ये एक जो मोड है, आप इसे किसी भी एंड्रॉयड में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वापस से कह रहा हूँ, अगर आपका फ़ोन कुछ भी पुराना है वो भी चलेगा। यहाँ पर मैंने अपने सैमसंग के ग्रैंड क्वाटरो में इसे चला के देखा है, जो 4 या 5 साल पुराना फ़ोन है जिसका एंड्रॉयड वर्जन है एंड्रॉयड जेली बीन, तो उसमें भी ये काम कर रहा है। और अभी मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ मेरे रेडमी नोट 4 को, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि ये कौन सा फ़ोन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल नंबर रेडमी नोट 4 है, एंड्रॉयड वर्जन 7.0 है, तो ये किसी भी एंड्रॉयड पे काम करेगा। मैंने इसे अपने एंड्रॉयड 4.1 जेली बीन पे भी यूज़ करके देखा है, और वो ठीक ठाक से काम कर रहा है। लेकिन मैं उसमें ज़्यादा वीडियोज़ नहीं चला सकता, सिर्फ एक ही वीडियो चला सकता हूँ बैकग्राउंड प्रोसेस के साथ में, क्योंकि वहाँ पर एंड्रॉयड मैं वे मेरे पुराने फ़ोन में रैम कम है, तो मैं ज़्यादा वीडियोस को साथ में प्ले नहीं कर सकता है यहाँ पे। लेकिन इस फ़ोन में मैं 2 से 3 वीडियो को साथ में प्ले कर सकता, नहीं 2 ही वीडियो को प्ले कर सकता हूँ। जो एक वीडियो होगा वो स्टॉप ही रहेगा, पॉज ही रहेगा। अगर मैं उसे चालू करूँगा तो दूसरा बंद हो जाएगा। तो अगर आपको 2 से 3 वीडियो प्ले करने हैं तो आप इस सारे ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर एक ही ऐप वीडियो प्ले करना है तो आप किसी भी एक ऐप को चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो फ्लोटिंग ट्यूब इतना अच्छा नहीं है क्योंकि आप इसकी जो साइज़ है वीडियो की वो सेट नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन एमआई ब्राउज़र और इसी ब्राउज़र में हम साइज़ को भी इस तरह से हम जिस चाहिए उतनी बड़ी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे फ्लोटिंग ट्यूब में एक अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पे मिलता है ऑप्शंस जो हमें वीडियो की क्वालिटी की है, वो जो हमें इन दोनों ब्राउज़र्स में नहीं मिलते, यूसी ब्राउज़र और बाकी में एमआई ब्राउज़र में। लेकिन यूसी ब्राउज़र में हम, और एमआई ब्राउज़र में हम वीडियो को साइज़ को ऐप की छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। तो देखा आपने, ये किसी भी एंड्रॉयड वर्जन में पॉसिबल है पिक्चर इन पिक्चर मोड, सिर्फ वीडियो प्लेबैक के लिए, लेकिन हम दूसरी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो जैसे कि हमने देखा कि यूसी ब्राउज़र और एमआई वर्जन में हम जो वीडियो की साइज़ है स्क्रीन पे विंडो की वो चेंज कर सकते हैं, जबकि ये फ्लोटिंग विंडो की बात है तब तक हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फ्लोटिंग विंडो में आपको दिखाने जैसे कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ऐप को डाउनलोड करना है और आप आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूसी ब्राउज़र और एमआई ब्राउज़र में आपको मैं दिखा देता हूँ
कि आपको ये कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे ये ओपन करके ही रखा है, तो जैसे मैं उसी ब्राउज़र में जाऊँगा और मैं वीडियो प्ले करूँगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एक आइकॉन जैसा दिख रहा है ये, तो मैं इसे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारा वीडियो हो जाएगा पिक्चर इन पिक्चर मोड में यहाँ पे। तो अगर मैं अब इसे कर दूँगा मिनिमाइज ऐप को, तब भी ये वीडियो चलता रहेगा इस तरह से कुछ। तो ये है पिक्चर इन पिक्चर मोड, जिसका इस्तेमाल हम यूसी ब्राउज़र में कर सकते हैं, और मैं इसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ साइज़ को। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ एम आई ब्राउज़र के बारे में। तो जैसे मैं एम आई ब्राउज़र में जाऊँगा, इसे भी मैंने यहाँ पे लोड कर रखे रखा है पहले से ही, ताकि ज़्यादा वक्त ना हो। तो जैसे मैं इसे ऑन करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैं अपनी चैनल के वीडियो पे प्ले कर रहा हूँ, जिससे कोई कॉपी स्ट्राइक नहीं आएगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस जो एम आई ब्राउज़र में यहाँ पे वो ये आइकॉन टॉप पे आएगा इस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वीडियो जाएगा डायरेक्ट से इस तरह से। तो मैं इस तरह से दोनों में यूज़ कर सकता हूँ, पिक्चर इन पिक्चर मोड। और आपको सेटिंग मैंने पहले ही दिखा दी है कि आपको कौन सी टाइप सेटिंग को इनेबल करना है, कौन सी परमिशन ऐप को देनी है इसके लिए। तो एम आई ब्राउज़र में तो रेडमी के डिवाइसेस में ये परमिशन वाला कुछ करना नहीं है शायद, क्योंकि मेरे फ़ोन में मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ये पूरी तरह से चल रहा है। यहाँ पे यूसी ब्राउज़र में परमिशन के बारे में पूछेंगे, तब तो आपको परमिशन देनी है। फ्लोटिंग ट्यूब में भी ऐसा ही है, ये एक ऐप है उसमें, लेकिन यहाँ पे आप इस ऐप में कंट्रोल नहीं करते हैं, कर सकते हैं विंडो की साइज़ को। तो मैं इसे प्रीफर नहीं करूँगा, जब तक कि पॉसिबल हो आप यूसी ब्राउज़र में इस तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि यूसी ब्राउज़र में बहुत सारे फीचर्स हैं। यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं वीडियो को, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से, और ये क्लोज़ हो गया है। यूसी ब्राउज़र में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये क्रैश हो रहा है मेरे फ़ोन में, तो मुझे इसे रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कुछ ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए।